आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। हाथरस के सिकंदर राव कोतवाली पुलिस ने हत्या लूट में फरार चल रहे 25-25 हजार रुपए के इनामी दो अपराधियों को मुठभेड़ के बाद दो तपंचों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है। इन बदमाशों की गैंग के आधा दर्जन लोगों को पहले ही पुलिस जेल पहुंचा चुकी है। इस गैंग द्वारा हाथरस, कासगंज, एडा, मथुरा आदि में भी लूट और हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया था। हाथरस पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने बताया कि इस गैंग का मुख्य धंधा पशु चोरी करना और उसके विरोध करने वालों की हत्या करना है। इसके द्वारा हाथरस जनपद के कई थानों में पशु लूट, हत्या और मधुमक्खी पैसा आदि की लूट की घटना को भी अंजाम दे चुके हैं। ये लोग पहले भी पुलिस के मुठभेड़ से भागने में कामयाब रहे थे। इनके द्वारा हाथरस के साथ मथुरा, कासगंज, एटा आदि जिलों में भी बड़ी लूट की हत्याओं की घटना को अंजाम दिया गया है। सिकंदरा राव कोतवाली पुलिस के मुखबिर की सूचना पर बबले उर्फ लोलो व पाले उर्फ काले को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। 22/23 जुलाई की रात को सिकंदराव में पचो गांव में घटना हुई थी। उसमें दो भैंसे चोरी गई थी। उसमें 7-8 लोगों का गैंग गांव में आया था। इन्होंने बाहर सो रहे नरेश पुत्र लखपत, ये एक वृद्ध व्यक्ति थे, इनकी हत्या भी कर दी गई थी। पैसे भी लूट के गए थे, वहाँ चोरी करके गए थे। उसके बाद वहाँ पर पास में मधुमक्खी पालन कर रहे थे लोग, उनके जो वर्कर्स थे उनसे भी पैसे लूटे थे 32,000, और उनके फोन और कुछ गहने वगैरह भी लूट के लेके गए। इस गैंग का पहले भी खुलासा किया था, तभी उसके अन्य अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे। इसमें ये लोग वांछित चल रहे थे। इनका नाम है बल्ले उर्फ लोले और पाले उर्फ काले। इन दोनों को उसी गैंग के सदस्य, इन पर इनाम भी घोषित था और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसी मुकदमे में इनके खिलाफ कार्रवाई। सर इनाम कितना था? इन दोनों पे 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। पूर्व में जब घटना हुई थी तब 5,000 का इनाम इनपे था, बाद में इनका इनाम बढ़ा के 20,000 किया गया। हाथरस से अनिल दीक्षित की रिपोर्ट।